माय कॉलिग्स देयर वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो बहुत वेट कराया है मैंने लास्ट दो हफ्ते से, हम चॉकलेट्स ही सीख रहे हैं एंड हियर इज द एंड ऑफ दैट पार्ट। हमने दो हफ्ते सीखा चॉकलेट घर पे बनाना, उसको फ्लेवर करना, उसको कलर करना, और आज हम सीखेंगे कि आप इन चॉकलेट्स को पैक कैसे कर सकते हो इजीली ताकि ये ख़राब नहीं हो। ऑल्सो आप इसे स्टोर कैसे कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर दोज जो प्रोफेशनली चॉकलेट बना के सेल करना चाहते हैं। सो व्हाई वेट, लेट्स लर्न हाउ टू रैप योर चॉकलेट्स एंड हाउ टू स्टोर देम। ऑल राइट गाइज, सो लास्ट के दो वीडियोज़ में आपने सीखा कि चॉकलेट बनाते कैसे हैं, आज हम सीखते हैं कि इन चॉकलेट्स को आप पैक कैसे कर सकते हो। प्रोफेशनल पैकिंग चॉकलेट की बहुत अलग होती है, आपको पूरी फिनिशिंग चाहिए इस चॉकलेट्स में। तो चलिए जो चॉकलेट्स हमने बनाए थे आज उन्हें ही हम पैक करते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है, इफ़ यू रिमेम्बर इसमें हमने चॉकलेट बनाया था। सो व्हाट आई विल डू इज कि ये मोल्ड मैं लूँगी और ऐसे एल्युमिनियम फॉइल्स आते हैं, अलग अलग कलर के फॉइल पेपर्स आते हैं। सो रेड, ब्लू, ग्रीन कटिंग किए हुए पहले से आते हैं चॉकलेट्स को पैक करने के लिए। ओके, तो ये आज हम यूज़ करेंगे चॉकलेट पैक करने के लिए। सो इसे मैं इस मोल्ड के अंदर ऐसे रख दूँगी, ऊपर रख दूँगी और इसी मोल्ड में मैंने जो चॉकलेट बनाई थी वो मैं डाल दूँगी और इसे हम प्रेस कर देंगे अच्छे से। ऑलराइट, एंड इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। वापस से एक बार आपको इसे शेप देना है इस मोल्ड के अंदर प्रेस करके एंड टेक इट आउट। सो दिस इज हाउ यू पैक योर चॉकलेट। चलिए इसी तरह से हम हमारा दूसरा चॉकलेट पैक करते हैं जो कि है हमारा कोकोनट रोज लॉलीपॉप, रोज के शेप का लॉलीपॉप। ओके, सो बिकॉज रोज है तो मैंने एक रेड कलर का रैपिंग पेपर लिया है और इसे मैं प्लेस कर दूंगी हमारे मोल्ड पे और ये लेंगे हम हमारा रोज और इसे कर देंगे प्रेस, अच्छे से प्रेस करेंगे इसके अंदर और ये जो एजेस हैं एक्स्ट्रा फॉइल है इसे हम खींच के इस तरीके से पैक कर देंगे। बस ध्यान रहे कि कहीं से भी आपकी चॉकलेट खुली नहीं है और इसे आप अच्छे से प्रेस कर रहे हैं एंड देन remove it and just look at that, कितने beautifully जो design है वो इसके ऊपर imprint हो गया है। So this is how you pack your chocolate. Another way of packing a chocolate is आपको ऐसे wrapping papers मिलते हैं जो gift wrapping papers आते हैं, ये वैसे wrapping papers हैं। सो ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, ये फॉइल पेपर्स नहीं हैं, प्लास्टिक वाले पेपर्स हैं जैसे गिफ्ट रैपिंग पेपर्स आते हैं। ये भी प्री कट्स आते हैं चॉकलेट को कवर करने के लिए, पैक करने के लिए। सो यू कैन यूज़ दीज एज वेल। अब इसे कैसे पैक करते हैं हम, चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एक रैपिंग पेपर और इसके ऊपर मैं प्लेस कर दूँगी मेरा चॉकलेट इस तरीके से एंड उसके बाद इसे पैक करने के लिए हमें मिलती है एक ऐसी स्ट्रिप, ये फ्लेक्सिबल वायर स्ट्रिप है। ओके, अलग अलग कलर्स में आती है, सिल्वर ऐसी है जो सब कलर्स के साथ चलती है। सो आई यूज़ दिस, इसके दोनों कॉर्नर्स पकड़ेंगे और फिर बाकी के अपोजिट कॉर्नर्स हम पकड़ेंगे, इसे अच्छे से होल्ड करेंगे और ये जो वायर है इसके चारों तरफ रैप कर देंगे। सो टाइटली पकड़ना है आपको एंड जस्ट
ट्विस्ट इट, आपको इसे ट्विस्ट कर देना है. एंड हेयर इज योर नाइसली पैक्ड चॉकलेट रेडी. ओके, सो अब दोनों चॉकलेट्स जो है, दोनों पैकेजिंग जो है वो अलग अलग दिखती है. ओके, आई प्रेफर दिस, ये ज़्यादा अच्छी लगती है फॉर एग्जॉटिक चॉकलेट्स. ओके, बट यू कैन गो विद दिस एज वेल. ओके, सो इट इज़ टोटली अप टू यू. ये थोड़ी फास्ट है और ये फॉइल वाली थोड़ी टाइम टेकिंग है, सो दैट्स टोटली योर कॉल कि आपको कौन सा यूज़ करना है. ऑल्सो दिस वन इज चीपर, ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है. सो या, दैट्स इट. दीज आर द थ्री चॉकलेट्स दैट वी पैक टूडे. इसी तरीके से मैं ये सारे चॉकलेट्स पैक कर लूंगी. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी, हमने यहाँ पे हमारे सारे चॉकलेट्स रैप कर लिए हैं एंड दे ऑल लुक सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल. एंड विद दैट, नाउ हाउ टू स्टोर दीज चॉकलेट्स. इन चॉकलेट्स को आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टोर देम इन फ्रिज, तो आप फ्रिज में भी इन्हें स्टोर कर सकते हैं. सो दैट इज टोटली अप टू यू. बट अगर आपको ये चॉकलेट्स फ्रिज में रखने हैं तो आप इन्हें ऐसे रैप करके ही फ्रिज में स्टोर करिएगा. ओके, और अगर आपको इन्हें फ्रिज में नहीं रखने हैं तो आप इन्हें ऐसे ही एयरटाइट कंटेनर में बाहर किसी भी कूल डार्क प्लेस में रख सकते हैं. मेक श्योर जिस भी एरिया में आप इसे रख रहे हैं वो एरिया हॉट एंड वार्म नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है. एंड यस, वी आर गुड टू गो. सो हियर विद दैट, इट्स एन एंड, इट्स अ रैप फॉर दिस सीरीज कि हम घर पे चॉकलेट बनाते कैसे हैं, कलर कैसे करते हैं, उसे फ्लेवर कैसे करते हैं और उसे रैप कैसे करते हैं, उसे स्टोर कैसे करते हैं. आई होप यू गाइज लाइक दिस सीरीज. इफ यू लव्ड इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आप और किस तरह के वीडियोज चाहते हैं कि हम करें आपके लिए. आई एम ऑलवेज रेडी टू डू वॉट यू गाइज डिमांड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी कुकिंग.